ज़्यादा न्यू ब्लॉग वीडियो पर तो बहुत सारा हम संथाली से बनाए बना बना के हम भी थक गया, तो मेरा यूजर आप लोगों को समझ में भी नहीं आ रहा तो उसके लिए सॉरी। तो आज हम शुरू करेंगे हिंदी से और अभी हिंदी से ही ब्लॉग हम बनाते रहेंगे क्योंकि आप लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा हमको पता है। तो आज भी हम रेडी सेडी होके जा रहे हैं रीगल, रीगल में कुछ प्रोग्राम हो रहा है तो उसी को दिखाएंगे क्या क्या प्रोग्राम हो। आप लोग ब्लॉग पे कंटिन्यू बनाए रहेंगे तभी पता चलेगा। तो हम और दीदी जा रहे हैं, बच्चा पार्टी को किसी को नहीं लेके जा रहे हैं, तो चलते हैं रीगल में ही हम लोग मिलते हैं। फाइनली हम लोग पहुंच गए रीगल में और दिखाते हैं, अभी यहाँ पहुंच के अंदर जाएंगे और दिखाएंगे क्या क्या प्रोग्राम शुरू हो गया है। फाइनली ये रीगल में पहुँचे और यहाँ आज है आदिवासी युवा संघ, कुछ लिखा हुआ है हम पे आदिवासी युवा सम्मेलन सिंगड़ आखड़ा जो लिखा हुआ है, और आज ये बहुत ही अच्छा धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो इसी को क्या क्या होता है, क्या क्या नाच गाने भरपूर से यहाँ आज का युवा मंच में मतलब शुरू किया है, तो चलो उसी को देखते हैं। आज का मैच में ये भोपाल मैदान रीगल मैदान में ये प्रोग्राम हो रहा है उसी को और दिखाएंगे।
का जो दिखाया बहुत अच्छा से ये प्रेजेंटेशन हुआ, ये फर्स्ट टाइम हो रहा, बहुत अच्छा लगा। और नाच गान भी बहुत सुंदर सा हुआ, बहुत अच्छा लगा। तो फर्स्ट टाइम में सब अच्छा लगा। और हमको बड़ी दुख की के साथ कहना पड़ रहा है कि हम ड्रेस पहन के नहीं, हम उतना जानकारी नहीं था, हम यहाँ नहीं थे, परफॉर्मेंस में नहीं थे, हम गांव चले गए। तो उसके बाद तुरंत हम आए, फिर हम यहाँ, मेरा सचिव कुछ काम था, उसके बाद ही हमको यहाँ आना पड़ा, हम साड़ी नहीं पहने, उसके लिए बड़ी दुख लग रहा है। तो फिर नेक्स्ट डे जब आएंगे हम साड़ी पहन के आएंगे, और यहाँ का जो पीछे और अगले साल जब होगा तो जरूर सड़ साड़ी उड़ पहन के आएंगे। और चले, अभी बहुत सारा प्रोग्राम दिखाया था, अभी हम लोग घर चलते हैं। तो ये रीगल मैदान का ये प्रोग्राम कैसे लगा, हम घर जाके ना ब्लॉग एंड करने भूल जाते हैं, पूरा हड़बड़ी हो जाते हैं। तो ब्लॉग को भी यही एंड करते, ब्लॉग अच्छे लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चैनल बने तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करते। ओके बाय, मिलते हैं दूसरा न्यू ब्लॉग वीडियो पर।